I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream and I get everything that I damn well please. I don't get... Hello guys, welcome back to my channel guys. तो आज जो मैं सप्लीमेंट रिव्यू करने वाला हूँ वो सप्लीमेंट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ना वो वे प्रोटीन है, ना वो क्रिएटिन है और ना वो प्री वर्कआउट है. तो ये जो सप्लीमेंट है बेसिकली समर से रिलेटेड है. तो समर्स आ गए हैं तो ये सप्लीमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. तो इस सप्लीमेंट का रिव्यू देखने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, हाँ, क्योंकि मैं वहां पर एक्सरसाइज साइंस से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ. और आपने मुझे यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी. ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, थोड़ा सा मार दीजिए. ठीक है, तो लेट्स डू इट. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream and I get everything that I damn well please. I don't give a... तो आज का जो सप्लीमेंट है जिस पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो है फास्ट एंड अप का रिलोड गाइस. तो ये है फास्ट एंड अप का रिलोड. तो अब ये रिलोड एक्चुअल में है क्या, ठीक है. तो ये रिलोड है फास्ट एंड अप का, जैसे कि अपन घर में ORS वगैरह पीते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करने के लिए. तो ये फास्ट एंड अप की इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है. तो मैं बताता हूँ बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है. तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली ऐसे आयन्स होते हैं बॉडी के अंदर, तो जो वाटर लेवल मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर. तो जब भी आप स्वेट करते हो तो आपकी बॉडी से पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलते हैं, जिससे आपको फतीक, वॉमिटिंग, नौसिया या चक्कर जैसे आने लगते हैं. जब भी आप कोई फिजिकल वर्कआउट करते हो, जैसे साइकिलिंग हो गया, जिमिंग हो गया, रनिंग हो गया, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, आप स्वेट करते हो, ठीक है. तो स्वेटिंग होने के साथ साथ आपको वर्कआउट करने का मन नहीं होता या आपको चक्कर आने लगते हैं, थकान सी महसूस होती है. तो वो सिर्फ जब आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस के कारण होता है, ठीक है. तो अब समर्स आ गए हैं तो समर्स में आप ज्यादा स्वेट करोगे, दैट मीन्स आपके ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से बाहर जाएंगे. तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक की जरूरत होती है. तो ये फास्ट एंड अप की वो ड्रिंक है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाइटामिन और मिनरल्स भी है इसके अंदर, ठीक है. तो अब ये ड्रिंक जो कि फास्ट एंड अप की रिलोड है, ये आपको क्यों रिक्वायर्ड है, ये क्यों जरूरी है आपके स्पोर्ट्स के अंदर, उसके लिए वो मैं आपको बताऊंगा. कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा. तो गाइज पहली बात तो ये, जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, ठीक है, या साइकिलिंग करते हो, रनिंग करते हो, जिमिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप पूरे स्वेटन अप हो जाते हो, डिहाइड्रेट हो जाते हो. तो उस डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए आप सिर्फ पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ पानी से आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी नहीं होगी. क्योंकि आप स्वेट किए हो तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी हुई है, ठीक है. तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करने के लिए ये ड्रिंक आपके लिए जरूरी है, ठीक है. मेरे पास ये है लाइम एंड लेमन फ्लेवर का, और ये आपको इसकी वेबसाइट पे बहुत सारे फ्लेवर अवेलेबल हो जाएंगे, बेरी, ब्लूबेरी, और बहुत सारे लाइम एंड लेमन, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो कि आप इसकी वेबसाइट पे जाके ले सकते हो, ठीक है. ओके, तो इस ड्रिंक के अंदर क्या क्या अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ. तो इस ड्रिंक के अंदर बेसिकली है सोडियम क्लोराइड अवेलेबल है 180 mg का, और जो पोटेशियम क्लोराइड है वो अवेलेबल है 77 mg का, और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो 20 mg का है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा 12.5 mg का, ओके. और क्लोराइड मिल जाएगा आपको 122.82 mg का, विटामिन सी मिल जाएगा आपको 37.5 mg, ठीक है, और विटामिन B12 मिल जाएगा आपको 1 mg का, ठीक है. तो आपने जैसे कि देखा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स तो है ही है, और बाकी इसके साथ विटामिन B12 और विटामिन सी भी है, ठीक है. इसमें विटामिन्स भी अवेलेबल है, ठीक है. तो आपकी पूरी जो हाइड्रेशन और आपकी जो एनर्जी लेवल का पूरा ध्यान रखेगा ये एक ओनली इसकी एक टैबलेट. इसको लेना कैसे, कब लेना है, कैसे लेना है, आपके स्पोर्ट्स में आपको कब लेना चाहिए, तो इसका आंसर ये, जैसे कि मैं एक पावर लिफ्टर हूँ, ठीक, तो मैं इसको अपनी ट्रेनिंग से पहले लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं लिफ्टिंग करूँ तब मैं कोई भी थकान या फतीक फेस करूँ, ठीक है. तो अब जैसे कि अलग अलग स्पोर्ट्समैन इसको अलग अलग टाइम पे ले सकते हैं, जैसे कि अगर कोई साइकिलिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, मैराथन रनर है, तो वो उसको अपनी ट्रेनिंग के बीच में ले सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग के दौरान इतना फतीक, मतलब इतना पसीना बहा देते हैं, इसके साथ साथ उनका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है अपनी बॉडी में से, ठीक है. तो अब अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, तो मैं इसको लेता हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मैं जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ सुबह 7 बजे, ठीक है, तो सुबह 6 बजे उठ के मेरे पेट में कुछ नहीं जाता, ये बेसिकली पोस्ट प्री वर्कआउट मील मैं नहीं ले सकता,
तो मैं उसकी जगह एक थोड़ा ग्लूकोज ले लेता हूँ, केले ले लेता हूँ, बट उससे भी कुछ नहीं हो पाता क्योंकि उससे भी जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है वो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लेना ही पड़ेगा जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट की कमी पूरी करे। तो जब से मैंने ये लेना शुरू किया फास्ट एंड की रिलोड लेना शुरू किया, तब मुझे बेसिकली जो एनर्जी लेवल्स थे ना तो वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल थे। क्योंकि सुबह सुबह जब आप रात को सोते हो, ठीक है, तो आपके रात में 6 से 8 घंटे तक पेट में पानी नहीं जाता, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो जाते हैं, थोड़ा पसीना भी आता है। तो सुबह उठने के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी है वो पूरी करे। ठीक है, तो ये ड्रिंक बेस्ट है मेरे लिए, आप लोग भी लेके देखो। और अगर आप लोगों को अपने स्पोर्ट्स में कैसे हेल्पफुल रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो अब इसको लेना कैसे, कौन ले सकता है? ठीक है, तो इसके बेसिकली एक ट्यूब में 20 टेबलेट्स आती हैं। ठीक है, तो आपको निकालनी है, ठंडे पानी के अंदर डालनी है, 1 मिनट तक वेट करना है और बस पी लेनी है। ठीक है, अब ये ड्रिंक ऑर्डर कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, फास्ट एंड अप की वेबसाइट पे, उस पर लिखना है फास्ट एंड अप रिलोड, और इसके बहुत सारे फ्लेवर्स और बहुत सारे कॉम्बोज अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपको सिंगल ट्यूब में भी मिल जाएगी, ठीक है, और कॉम्बोज में भी मिल जाएगी। प्राइस बहुत डिसेंट है, कोई हाई प्राइस नहीं है। ठीक है, और इसके बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बेरी, ब्लूबेरी, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फ्रूट, लाइम एंड लेमन, कोला, बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। जो आपको पसंद है वो आप ऑर्डर कर लेना। इसको आपको ऐड टू कार्ट करना है और उसके बाद एक कूपन कोड डालना है जो कि मेरा कूपन कोड है FUPMUKUL10। ठीक है, जिससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कूपन कोड याद करना, ऑर्डर करने के बाद, यूज करने के बाद आप देखना कि आपको ये कैसे बेनिफिशियल रही आपके स्पोर्ट्स के अंदर, और प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि आप ये कैसे बेनिफिशियल रही। ठीक है, और ये जो रिलोड है ये कौन कौन ले सकता है? ये कोई भी ले सकता है, बट इसकी उम्र 8 साल के ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, और ये बैन सब्सटेंसेस फ्री है, इसके अंदर कोई भी ऐसे हार्मफुल चीज नहीं है जो आपको हार्म करे। और तभी ये जो ड्रिंक है ये टाटा मुंबई मैराथन और एयरटेल हाफ मैराथन दिल्ली की जो है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे चैंपियनशिप हैं जिसके अंदर ये एक ऑफिशियल ड्रिंक है। ठीक है, तो ये मेरे लिए तो बेनिफिशियल रही, आपके लिए भी रहेगी। तो उसको ऑर्डर करने के बाद प्लीज मुझे बताना कमेंट में ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रही। ठीक है, तो तब तक ले स्टे फिट गाइस, बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आऊंगा जो कि इसी की एक क्रिएटिन की रिव्यू वीडियो होगी। तब तक ले स्टे फिट गाइस।